मैगी मसाला टोस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा प्याज, एक हरी मिर्च बारीक कटा हरी मिर्च, एक गाजर, एक बड़ा साइज का टमाटर, एक शिमला मिर्च, हरा धनिया और 10-12 मटर के दाने और ये बीन्स। और इसमें चाहिए मसाला, नमक, हल्दी, मिर्च और सूखा धनिया। और ये चाहिए 4 पैकेट का मैगी मसाला और ये एक ब्रेड का पैकेट। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने मसाला लिया है, ये मैंने इन सब्जियों के हिसाब से लिया है, क्योंकि जो मैगी में मसाला आता है ऑलरेडी उसका मसाला उसमें होता है, तो जो हम सब्जियाँ डालेंगे उसमें मसाला कम हो जाएगा, तो इसीलिए हमें ये मसाला उसमें ऐड करेंगे। अब हम चढ़ाते हैं कढ़ाई, उसमें गैस करते हैं ऑन। इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब तेल, आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हमारा तेल गरम हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, जीरा तड़कने पर हम डालेंगे इसमें प्याज, सारा हाई फ्लेम पे डालना है सारा सामान, इसके साथ हम डालेंगे गाजर, टमाटर, मटर का लीफ ग्रीन, और हमें इसे हाई फ्लेम पर थोड़ा सा सोटे करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जियां सोटे अच्छे से हो चुकी हैं। अब हम डालेंगे इसमें सभी मसाले। करेंगे 2 मिनट के लिए भूनेंगे। देखिए हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 4 पैक मैगी के हिसाब से 4 मग पानी। वैसे तो नॉर्मली जब हम मैगी बनाते हैं तो 1 पैक में 2 कप पानी डाला जाता है, लेकिन इसमें हमें थोड़ा स्टिकी नहीं चाहिए, सूखा सूखा मैगी चाहिए, इसलिए हम 4 पैक में 4 मग पानी डालेंगे। कितना डालें? देखिए हमारा पानी उबल चुका है, अब हम इसमें डालेंगे मैगी मसाला और ये मैगी के मैंने ये छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, क्योंकि हमें टोस्ट में जो फिल करना है इसीलिए, तो लंबे लंबे नहीं चाहिए हमें, छोटा छोटा चाहिए। थोड़ा सा गर्म मसाला अच्छे से मिलाइए। देखिए हमारी मैगी बनकर बिल्कुल तैयार है। हम इसको अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, तो फ्रेंड्स अब हम इनको ग्रिल करेंगे। थोड़ा सा बटर लगाइए, थोड़ा सा इसके ऊपर भी, आप बटर का यूज भी कर सकते हो। अब हम इसमें ये मैगी ऐसे फिल करेंगे। बच्चों के खाने की बड़ी टेंशन होती है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, नई नई उनके बारे में नई नई चीजें बनाने के बारे में सोचना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे मैगी मसाला टोस्ट बनकर तैयार है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो
हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा, और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।